अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू किया था, उसको पूरा एक्सप्लेन किया था और उसको समझे थे कि किस तरह से किसी भी जौहर में मरकज़ा और मरकज़े के अतराफ जो मदार पाए जाते हैं उनमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं और उनमें कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके जौहर का एटॉमिक नंबर कितना है, उसके हिसाब से हमने उनको तकसीम करने का तरीका पढ़ा था। ठीक है, एक पहले मैं मिसाल देता हूँ, उसके बाद में आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन तश्किल तो आपके इंशाल्लाह पूरी समझ में आ गई होगी। ओके, आज जो हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके पढ़ने वाले हैं, यानी वो चीज़ जो हमारे को डिफ़िकल्टीज ला सकती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। जैसे जो अभी तक हमने पढ़ा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना हमने अभी तक पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, अगर मैं आपको एक अनासिर की इलेक्ट्रॉन तश्किल निकालने के लिए बोलूँ, आसान वाला ही बोलता हूँ मैं, स्कैंडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 21, डी ब्लॉक में आता है स्कैंडियम, पहला एलिमेंट। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन तश्किल आप निकालते हैं तो आप कहेंगे सर पहले पहला मदार मिला, उसमें एस ऑर्बिटल, उसकी कैपेसिटी 2, फिर बच गए 19 इलेक्ट्रॉन, तो फिर दूसरा मदार मिला, उसमें पहला ऑर्बिटल एस, उसकी कैपेसिटी 2 की, 19 थे हमारे पास, हमने उनको दे दिया, तो हो गए हमारे, ये हो गए 4 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 4 तकसीम हो गए, अब बचे हमारे पास 17। फिर उसके बाद दूसरे मदार में ही रहता है पी ऑर्बिटल, इसकी कैपेसिटी 6 की, हमारे पास 17 है, बिल्कुल हम 6 दे सकते हैं उसको, तो हमने उसके अंदर दे दिए 6 इलेक्ट्रॉन, अब हो गए हमारे पास में 10 यूज कर लिए, 10 तकसीम कर दिए, अब बचे 11। फिर उसके बाद में हमारे को मिलेगा क्या, 3s, तीसरे मदार में गए, पहला हमने मिसाल भी दिया था, पहले मदार को कंप्लीट करते फिर दूसरे मदार को, या जब जौहर के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वो पहले इलेक्ट्रॉन पहले मदार में रहेंगे, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, ऐसा। तो तीसरे मदार में एस ऑर्बिटल मिला, इसकी कैपेसिटी 2 की, हमारे पास थे 11, हमने 2 उसको दे दिए, यानी अब हो गए हमारे पास में ये 12 यूज हो गए और 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। फिर उसके बाद आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर मिला तीसरे मदार में पी ऑर्बिटल, इसकी कैपेसिटी 6 की, हमारे पास थे 12, 9 इलेक्ट्रॉन थे, हमारे पास बचे थे 6, हमने उसको 6 दे दिए। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे जहन में क्या आएगा, हमारे जहन में आएगा कि तीसरे मदार में तो डी भी रहता, हमने कहा था के शेल में सिर्फ एस ऑर्बिटल, एल शेल में दूसरा जो ऑर्बिटल, दूसरा जो मदार रहता है उसमें एस और पी, के एल, और एम शेल में यानी तीसरे शेल में, तीसरे मदार में, तो हमने कहा था एस पी और डी। तो हमारे मुताबिक जो हमने इससे पहले डिस्कस किया है, इलेक्ट्रॉन अब जाएंगे 3d में, क्योंकि तीसरे मदार में आता है डी ऑर्बिटल, तो यहाँ हो गए 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, हमारे पास बचे 3 इलेक्ट्रॉन, यानी डी में हम देंगे 3 इलेक्ट्रॉन। अभी तक हमने जो पढ़ा उसके मुताबिक ऐसा होना चाहिए, और ये तरीके से हम स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉन तश्किल निकाल सकते हैं, अभी तक हमने जो बयान किया है। यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी के भी जहन में कोई डाउट नहीं आया होगा, लेकिन अब डाउट आना शुरू होगा आपके जहन में कि ये इलेक्ट्रॉनिक तश्किल है गलत, ये इलेक्ट्रॉन तश्किल है गलत। अब ये मत बोलना कि सर हमने जो आपने बताया उसके मुताबिक स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉन तश्किल तो ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि साइंस इज अ नॉट कंप्लीट सब्जेक्ट, साइंस मुकम्मल सब्जेक्ट नहीं है, उसमें आए दिन, आप जानते भी होंगे कि आए दिन नई नई थ्योरीज ऐड होते जा रही है। तो आप इमेजिन करो कि जब केमिस्ट्री की शुरुआत हुई होंगी, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट आया होगा, तो क्या पहली बार में ही सबने सही बयान कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। साइंस में हमारे कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, उसमें चेंजेस की पॉसिबिलिटी हमेशा मौजूद होती है, उसमें आप बिल्कुल नई नई चीज़ें डिस्कवर कर सकते हैं, जो अगर अप्रूव होती है, जो अगर एक्सेप्टेबल होती है, तो उसको इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन तश्किल की शुरुआत हुई, तो शुरुआत में तो जो हमने पढ़ा है वैसे ही बयान किया गया, लेकिन जब स्कैंडियम का, मैं मिसाल दे रहा हूँ हमारे टॉपिक से रिलेटेड, जब स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉन तश्किल निकाली गई, और फिर जब स्कैंडियम का ऐसे होनी चाहिए जो सही होती है, अगर हम पहले जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक बयान करते हैं, लेकिन जब स्कैंडियम के जौहर का मुशाहिदा किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो
तो उसमें ये पाया गया कि उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी में तीन इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जब ये मुशाहिदा किया गया स्कैंडियम में, तो फिर उन साइंटिस्ट के जहन में एक सवाल आया कि भाई होना तो ऐसा चाहिए, लेकिन जब हमने स्कैंडियम का मुशाहिदा किया तो वो हमारे को ऐसा नज़र नहीं आया, यानी कहीं ना कहीं हमारे कहने में या हमारे एक्सप्लेनेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी है जिसको दुरुस्त करनी पड़ेगी, और उस खामी को दुरुस्त किया था अफबाओ ने। अबाओ, अफबाओ, जो आपको ठीक लगे, ठीक है, ए यू एफ बी ए यू, अफबाओ प्रिंसिपल कहा गया इसको, अफबाओ प्रिंसिपल, अबाओ प्रिंसिपल, अबाओ उसूल कहा गया, जो इस खामी को उन्होंने दूर किया। और इनका क्या कहना था, अब आगे हमारे टॉपिक की तरफ, इनका क्या कहना था कि जब भी किसी जौहर में इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगर होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में, यानी सबसे पहले जब मसलन स्कैंडियम के पास में 21 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें का सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी तवनाई सबसे कम है। पहले इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा, पहले वो ऑर्बिटल कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, वो अगर भर गया तो फिर कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे जिसकी तवनाई पहले तो हो गया, पहला कंप्लीट हो गया, उससे ज्यादा है, फिर उससे ज्यादा वाले उसको कंप्लीट करेगा, फिर उससे ज्यादा वाले कंप्लीट करेगा, फिर उससे ज्यादा वाले कंप्लीट करेगा। यानी आप कंफ्यूज ना हो, हम ये कहना चाह रहे हैं या अफबाओ का ये कहना था कि जब भी इलेक्ट्रॉन की तकसीम होती है तो इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं जौहर में, वो भरे जाते हैं उनकी तवानाई की बिना पे, यानी तवानाई की बढ़ती हुई तरतीब में इलेक्ट्रॉन फील होते हैं। सबसे पहले सबसे कम तवानाई वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसको कंप्लीट करेगा, फिर उसके बाद वाले में, फिर उसके बाद वाले में। जैसे हम प्रेयर में या नजम में जब खड़े होते हैं तो स्टूडेंट की लाइन लगाई जाती है। अब लाइन में हम किस बात का ख्याल रखते हैं कि जिसके हाइट कम है वो पहले नंबर पे खड़े रहेगा, फिर उसके बाद उससे ज्यादा वाला, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे आखिर में सबसे ज्यादा वाला। बस इसी को आप जहन में रखें, ठीक है। या हमारे घर पे जब कोई भी चीज अगर आती है खाने की, हम अगर तीन चार भाई बहने हैं तो सबसे पहले हमारे अम्मी या हमारे अब्बू किनको देते हैं, सबसे छोटो, फिर उनसे बड़ों को, फिर उनसे बड़ों को, और आखिर में सबसे कम जो मिलता है वो सबसे बड़े को मिलता है। खैर मिसाल दी हो बस, चलो। तो लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में सबसे पहले जाएगा और फिर उनकी बढ़ती हुई तवानाई की तरतीब में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ऐसा कहना था अफबाओ का। और अब आपके जहन में एक और सवाल आ रहा होगा, तो फिर क्या हमारे को पहले मदार का एस, दूसरे मदार का एसपी, तीसरे मदार का एसपी डी, यानी हो गए छः, चौथे मदार से तो आखिर के पांच मदार के 5, 6, 20, यानी 20, यानी तकरीबन 25-26 ऑर्बिटल हैं, तो क्या हर एक की तवानाई को हम याद रखेंगे, क्या याद रख सकते हैं? नहीं, इतना तो हम याद नहीं रख सकते। तो अफबाओ ने क्या किया था, एक डायग्राम पेश किया जिसकी मदद से हम ऑर्बिटल्स की बढ़ती हुई तवानाई की तकसीम को या बढ़ती हुई तवानाई की तरतीब को याद रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, टाइम बचाने के लिए वही तरतीब को बोर्ड पर बना लिया, ठीक है। और ऐसा कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है, आप इसको ऐसा नहीं कि भाई आपको बहुत बार रटना पड़ेगा, बहुत बार याद रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यूज करते करते आपको इसकी आदत हो जाएगी कि भाई इसके बाद में कौन सा ऑर्बिटल आता, उसके बाद में कौन सा ऑर्बिटल आता, उसके बाद में कौन सा ऑर्बिटल आता। तो एक आपने कहावत भी सुना होगा, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, या प्रैक्टिस मेक अ मैन और वुमेन परफेक्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आपको ये समझ में आते जाएगा। अब देखो इसको यूज करने का तरीका कैसा है, एरो या निशान तो आपको सबके समझ में आते होंगे, यहां से आपको शुरू करनी है, एरो की सिमत में काम करना है। क्या करना है आपको, एरो की सिमत में ये जो तीर नजर आ रहा है आपको उसकी सिमत में काम करना है, यानी पहले नंबर यहां से शुरू करेंगे आप, तो आप जाएंगे जाएंगे मिला 1s, यानी 1s की तवानाई है सबसे कम। तो कोई भी जौहर में सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 1s में। चलो आ जाओ फिर नीचे, आपको यह है इधर नहीं है, फिर शुरू करेंगे यहां से, फिर यहां से आएंगे आएंगे 2s मिला, फिर गए यहां पर खत्म हो गया, यानी
जब ये भर जाएगा तो दूसरे नंबर पे तवानाई की बिना पर कौन आता, 2s ऑर्बिटल, दूसरे मदार का s ऑर्बिटल। फिर यहाँ तो कुछ नहीं है, फिर यहाँ से शुरू करेंगे, फिर आया, फिर आपको मिला 2p, यानी इलेक्ट्रॉन 2s जब भर जाएगा तो उससे ज्यादा तवानाई वाला है 2p, इसलिए इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2p में। फिर नीचे आए 3s में, फिर गए यहाँ पर 3p में। अब बोलेंगे सर ये तो नॉर्मल वाला ही है, नहीं यहाँ तक तो नॉर्मल वाला ही है, यहाँ से मेन कंफ्यूजन शुरू होता 3p के बाद। फिर आप आए नीचे, आपको क्या मिला 4s, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में, फिर यहाँ नहीं है, फिर आएंगे यहाँ पर आप, फिर मिलेगा आपको 3d। यानी अब देखो जो मैंने बोर्ड पे मिसाल लिखा था उसमें शायद आपके समझ में आ जाए कि 3p तक तो कोई मसला नहीं, 3p के बाद में कौन रहता 4s, यानी यहाँ पर आएगा 4s, उसकी कैपेसिटी 2 की, हमारे पास 3 अवेलेबल थे, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं तो हमने दे दिया 2। फिर आए हम यहाँ, खत्म हो गया, फिर आए यहाँ पर डी के पास, यानी फिर आएगा 3d। फिर 3d में कैपेसिटी 10 की है, लेकिन हमारे पास कितने अवेलेबल है, 2, 4, 10, 12, 18, 20, एक अवेलेबल है, यानी डी में रहेगा एक। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन तश्कील कहीं पर भी पढ़ेंगे या फिर स्कैंडियम का मुशाहिदा किया गया तो उसमें पाया गया कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन की तरतीब पाई जाती है, यानी जब ये पूरा प्रूफ हो गया तो फिर अफबाव प्रिंसिपल को माना गया, यानी अफबाव प्रिंसिपल को फिर आप फॉलो कर सकते हैं, यानी अफबाव ने जो कहा उसको आप मान सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन के भरने का अमल है वो डिपेंड करता है ऑर्बिटल्स की तवानाई पर। ऑर्बिटल्स की कम तवानाई वाले ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन फील होंगे, उसके बाद उसकी बढ़ती हुई तरतीब में इलेक्ट्रॉन फील होते जाएंगे। चलो एक मिसाल अगर दें हम, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात भी हम बताएंगे, जैसे मिसाल के तौर पे आपने लिए कौन सा लेते जर्मेनियम लेते, ठीक है, जर्मेनियम लेते जिसका एटॉमिक नंबर है 32, गैलियम जर्मेनियम, गैलियम का 31, ठीक है 32। अब अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉन तश्कील निकालते हैं, या उससे आसान हमारा ये एलिमेंट लेते हैं ना जिसको हमारे बार बार पढ़ना है, ब्रोमीन 35, ठीक है ये होमवर्क भी कर सकते हैं आप जर्मेनियम का, ब्रोमीन 35। चलो इलेक्ट्रॉन तश्कील निकालते हैं, पहले कौन मिला 1s2, दो है, अब डायरेक्ट बोल रहा हूँ मैं, ज्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए, पहले मदार का ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 की, चलो दे दिए, फिर कौन मिला 2s, इसकी कैपेसिटी 2 की, फिर कौन मिला 2p, इसकी कैपेसिटी 6 की, फिर मिला 3s, अब गिन क्यों नहीं रहे 35 तक है हमारे पास, ठीक है तो 21 तक तो हमारे पता ही है, या 10 अगर ऐड कर लिया तो 30 तक तो पता ही है हमारे को, उसके बाद में काउंट करेंगे। फिर कौन मिला 3p6, फिर कौन मिला 3p के बाद में कौन आता, यहाँ देख लो 3p, ये सॉरी 3p, उसके बाद में आता 4s, यानी 4s, फिर कौन आता, अब गिन देते 2, 4, 10, 12, 18, 18 और 2, 20, उसके बाद में कौन आता 3d में 10, यानी हो गए 30, फिर उसके बाद में कौन आता, देखो 3d हो गए यहाँ तक, फिर उसके बाद में कौन आता है 4p, अब कितने हो गए आपके पास में 10, 12, 18, 20, 30, बचे 5, इसकी कैपेसिटी 6 की है, यानी इसके अंदर देंगे आप 5 इलेक्ट्रॉन, 6 की कैपेसिटी, 5 अवेलेबल है, अब गिन लो पूरा 35 वेक है, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30 और 5, 35। हाँ एक और चीज याद रखी, इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा, आप बोले सर आप तो ज्यादा कंफ्यूज कर दे रहे, कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, बस एक सीक्वेंस बता रहे हैं, जब आप नंबर्स को लिखते हैं तो आप ख्याल क्या रखते हैं, एक के बाद दो ही आए, दो के बाद तीन ही आए, 10 के बाद 11 आए, 20 के बाद 21 आए, 50 के बाद 51 आए, तो ऐसी ही जब ऑर्बिटल्स को आप लिखते हैं आप याद ये रखें कि अफबाव के मुताबिक 3p के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में, लेकिन चूंकि डी ऑर्बिटल तीसरे मदार में रहता तो उसको आप लिखे, लिखने में याद रखें, बस ज्यादा कोई हार्ड बात तो नहीं बोल रहे हैं, तो याद रखें बस कि यहाँ पर 3p के बाद में लिखे 3d 10 फिर 4s 2, जैसे इसमें भी पहले आप क्या करें, ये ठीक है पहली मिसाल थी तो आप वैसी रहने दिया तो चल जाएगा, लेकिन इतना आप याद रखें, अब ये भी हम ये नहीं बोल रहे हैं कंपलसरी है, बस थोड़ा अच्छा लगता सीक्वेंस में रहे तो, लेकिन आपके जहन में ये रहना चाहिए कि 3p के बाद में इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं गए, 3d पहले फील नहीं हुआ, ठीक है पहले फील, पहले कौन भरा, पहले भरा 4s, उसके बाद में भरा 3d, तो
अगर ऐसा याद रखेंगे, इसको आप यूज करेंगे बार बार, तो आपके जहन में आ जाएगा अफबाव प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये दो मिसालें हमने लिया। अब आप एक काम कर सकते हैं कि जो भी आपके जहन में एलिमेंट आए, जिसका आपको ऐसा लगे कि इसकी रकम तश्कील बगैर देखे लेके ना, ऐसे होमवर्क बोल रहा हूं मैं आपको, आपके जहन में कुछ अनासिर आते हैं और उनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर आपको याद है, तो आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील अफबाव प्रिंसिपल की मदद से निकाल कर देखें, तो आपके जहन में, मैंने आपको एक जुमला भी बोला, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अफबाव प्रिंसिपल की, इंपॉर्टेंट है, यही तरीका हमारे को इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हमने इसलिए स्पेशल पूरा वीडियो इसके ऊपर बनाया है, 10-15 मिनट का जो वीडियो है हमारा, वो पूरा इस पर ही है। लेकिन मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ आपको कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की या केमिस्ट्री में हम जितना भी पढ़ते हैं, जितना हम पढ़ेंगे या पढ़ते हैं अभी शुरुआत में, क्योंकि बेसिक शुरू है हमारा, तो आप जितनी ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा हासिल होगा। तो आपको काम ये करना है कि इसके अलावा, ये जो मैंने स्कैंडियम और ब्रोमीन निकाल दिया हो, इसके अलावा आप 8 से 10 एलिमेंट आप खुद तय करें जिनका एटॉमिक नंबर अबव 30 हो। 30 तक तो आप निकाल ही लेंगे आसानी से, तो अबव 30 हो तो उनके आप इलेक्ट्रॉनिक तश्कील अफबाव प्रिंसिपल की मदद से निकाल कर देखें, तो आपके जहन में आसानी आपके जहन में रहेगा और आपको आसान लगेगा। ठीक है, मैं एक जो मिसाल दे रहा था आपको, देखो आपने पढ़ा होगा, मैं इसी में बयान कर दे रहा हूँ ये, ताकि आपके जहन में रहे। अगर मैं ये कहूँ आपको एक अनासिर है क्रोमियम, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है या बहुत इंटरेस्टिंग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो उसके लिए हम इस अफबाव प्रिंसिपल के साथ में ही इसको बयान कर दे रहे हैं। ये मिटा देता हूँ मैं, ताकि आपके जहन में तो आ ही गया होगा क्या है, किस तरह से आपको यूज करना है। ठीक है, या अभी जो हम क्रोमियम की इलेक्ट्रॉन तश्कील निकाल रहे हैं, तो इसमें आपको आपके स्क्रीन पर अफबाव प्रिंसिपल की इमेज फ्लैश हो रही होंगी, उसको भी आप जहन में रख सकते हैं। ठीक है, अभी भी आपके स्क्रीन के ऊपर अफबाव प्रिंसिपल की जो एनर्जी लेवल्स है, या किस तरह से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भरे जाते हैं एनर्जी लेवल्स की बिना पे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे कम कौने वाले में जाएगा, उसके बाद उससे ज्यादा वाले में, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर की, तो आपके स्क्रीन के ऊपर अभी भी अफबाव प्रिंसिपल की जो चार्ट है उसकी इमेज फ्लैश हो रही होंगी, उसको आप जहन में रखें। चलो ठीक है, क्रोमियम की बात कर रहा था मैं, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। ओके, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉन तश्कील निकालता हूं तो सिंपल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक तो हमारे को याद हो गया, ये नॉर्मल है यहां तक। फिर इसके बाद में हम क्या बोलते, इसके बाद में आता 4s और फिर उसके बाद में आता 3d, लेकिन सीक्वेंस के लिए मैंने उसको ऐसा लिखा हो, एनर्जी इसके बाद 4s की है, उसके बाद 3d की है। ठीक है, चलो यहां तक हो गए हमारे 18, इसमें रहेंगे 2, मतलब कितने हो गए 18 और 2 20, अब बचे कितने 24 है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होना चाहिए, डी में होना चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। अब आपके जहन में आ गया होगा क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 और 4s2। ठीक है, चलो हमने जो पढ़ा, हमने जो बयान किया, उसकी रोशनी में ये इलेक्ट्रॉनिक तश्कील तो आपके समझ में आ ही गई होगी, लेकिन पॉइंट ये है कि ये है गलत, ये इलेक्ट्रॉन तश्कील है गलत। फिर सही कैसे है, तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि सही कैसे है। क्रोमियम 24 है अगर, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1, ये है इसकी सही इलेक्ट्रॉनिक तश्कील या सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। अब आप बोलेंगे सर हम तो और कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूजन के लिए ही तो हमने एग्जांपल लिए है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलो तब यहां आपको नया क्या मिला कि सर आपने तो कहा कि 4s की तवानाई 3p के बाद में आती, तो पहले ये भरे जाएगा, आपने बार बार कहा कि पहले वो ऑर्बिटल पूरा भरे जाता, बाद में इलेक्ट्रॉन अगले शेल में या अगले ऑर्बिटल में जाते हैं, हम अभी भी कायम है। लेकिन आप जानते किसी भी अनासिर की क्या, या किसी भी अनासिर का मकसद क्या होता है,
उसका मकसद होता है स्टेबल होना। जैसे आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? ताकि आप आपकी लाइफ में कामयाब हो सके। कामयाबी हमारा मकसद है, ठीक है। अनासिब का जो मकसद होता है वो क्या होता है? वो होता है स्टेबिलिटी को हासिल करना, कयाम पजीरी को हासिल करना, ताकि वो अपनी हालत में रह सके। स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है, ठीक है, वो अपनी एग्जिस्ट कर सके, वो अपनी हालत में एग्जिस्ट कर सके, उसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी। तो एक साइंसदान थे जिनका नाम था हंस। हंस ने क्या कहा कि अगर देखो एक वर्ड बोल रहा हूं मैं, ये वर्ड पे आप हमेशा फोकस करें, ये केमिस्ट्री में हम कई बार इस्तेमाल करेंगे, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी समझता, इम्कान। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है या वर्ड है जो हम कई बार इस्तेमाल करेंगे, पॉसिबिलिटी, इम्कान। इम्कान क्या है? तो हंस ने ये कहा था कि कोई भी अनासिर, कोई भी जोहर उस हालत में एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। एक्स्ट्रा यानी इजाफी, स्टेबल यानी कयाम पजीर। एक्स्ट्रा स्टेबल होता है जब उसमें ऑर्बिटल्स तीन तरह के हो। देखो यहां लिख रहा हूं मैं, तीन तरह के, एम्प्टी हो, खाली हो, हाफ फील्ड हो, फील्ड मतलब भरे हुए, या कंप्लीट फील्ड हो, ठीक है, खाली हो, निस्प भरे हुए हो, ठीक है, निस्प यानी आधा, या मुकम्मल भरे हुए हो। मुकम्मल भरे हुए यानी जो और इलेक्ट्रॉन है उसमें वो या तो खाली हो, या तो निस्प भरे हुए हो, या मुकम्मल भरे हुए हो, तो फिर वो अनासिर अगर ऐसा है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी यानी मामूल से जितनी स्टेबिलिटी उसकी होनी चाहिए, जितनी कयाम पजीरी होनी चाहिए, उससे ज्यादा कयाम पजीरी वो जाहिर करता है, ठीक है। अब आप बोले सर पॉसिबिलिटी समझ में नहीं आया, अब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूं। क्रोमियम में देखो यहां क्या था, चार, यहां थे दो। अब अकॉर्डिंग टू हंस क्या कहा उसने कि अगर हाफ फील्ड, कंप्लीट फील्ड या एम्प्टी फील्ड हो तो इसकी स्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी में हम फर्क कर लेते। देखो हाँ, अब फील्ड कैसे पहचानेंगे आप? एस की कैपेसिटी दो की है तो इसका हाफ फील्ड हुआ एक, पी की कैपेसिटी छह की है इसका हाफ फील्ड हुआ तीन, खाली तो पता है आपको जीरो वाले, डी की कैपेसिटी दस की है इसका हाफ फील्ड हुआ पांच, एफ की कैपेसिटी चौदह की है इसका हाफ फील्ड हुआ चौदह, यानी ये तीन कंडीशन, खाली समझ में, ये तीन, एक हो एस में, दो हो या जीरो हो, तीन हो पी में, छे हो या जीरो हो, डी में जीरो हो, पांच हो या दस हो, एफ में जीरो हो, सात हो या चौदह हो, अगर ऐसे अनासिर हो तो वो मामूल से ज्यादा कयाम पजीरी जाहिर करता है। अब देखो यहां पर, चलो ठीक है, कंप्लीट फील्ड में है ये तो स्टेबल रहेगा, लेकिन ये क्या तीनों में आता? कौन था? डी। डी में देखो पांच दस जीरो नहीं आता, यानी ये स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा जाहिर नहीं कर सकता। लेकिन अगर इस हालत में आप देखें क्रोमियम की, तो ये हो गया कंप्लीट फील्ड यानी स्टेबिलिटी, ये भी हो गया सॉरी हाफ फील्ड यानी स्टेबिलिटी, ये भी हो गया डी। डी में देखो क्या है, पांच हाफ फील्ड में आता, यानी ये भी हो गया हाफ फील्ड, यानी ये दोनों ऑर्बिटल फेवर कर रहे कि वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जाहिर करे। तो आप बताओ, जब आपको अगर कोई चीज आसानी से मिल जाए तो क्या आप लेना पसंद नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो इसको हाफ फील्ड और हाफ फील्ड होने की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसने गेन कर लिया, हासिल कर लिया, इसलिए क्रोमियम इस तरह की इलेक्ट्रॉन तश्किल जाहिर करता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। अब मैं बात कर रहा हूं पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी कहां पर आती है? जब अनासिर में ये इम्कान हो। ये होता कब ऐसा? जब अनासिर में इम्कान हो कि वो एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं, जब ये पॉसिबिलिटी आती है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं आसान अल्फाजों में कि आप देखो यहां पर क्या हुआ, इन दो, अब होता ना ऐसा कि भाई मसलन आप दो दोस्त है, अगर आप एक के पास में मसलन काम पूरा है लिखने का, दूसरे के पास में नहीं है, उसके पास में दूसरे सब्जेक्ट का पूरा है, तो आप क्या करते है? मेरा बुक तू ले ये सब्जेक्ट का, आपका बुक मेरे को दे, ताकि आपका भी काम हो जाए, उसका भी काम हो जाए, ठीक है, ये बात याद रखें।
तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, देखो कि अगर के एक इलेक्ट्रॉन को यहां ट्रांसफर कर दे पॉसिबिलिटी के तहत, हाँ तो होगा क्या, अब है इम्कान, कि इम्कान क्या है कि ये हो जाएगा इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें हो जाएंगे पांच, ये है पॉसिबिलिटी। अब मिसाल के तौर पे अगर यहां पर होते छह इलेक्ट्रॉन, मिसाल दे रहा हूं बस, अगर यहां होते छह तो क्या पॉसिबिलिटी होती कि एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दे कहीं पर, नहीं अब नहीं है पॉसिबिलिटी, क्यों, क्योंकि छह है ना, इसके पास में दो ऑलरेडी है तो ये यहां से ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन अगर यहां छह होते यहां एक होते, अब पॉसिबिलिटी का पॉइंट आ जाता कि पॉसिबिलिटी ये है कि यहां छह है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर कर दे तो ये हो जाएगा हाफ फील्ड पांच और ये हो जाएगा दो दो यानी कंप्लीट फील्ड, तो इसे कहा जाता है पॉसिबिलिटी। अगर ऐसा हो तो ही अनासिर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हासिल करते हैं, अगर ना हो तो फिर वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हासिल नहीं करते है। समझ में, यानी आपके जहन में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर अनासिर ऐसा नहीं करता, हर अनासिर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करता एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में, सिर्फ कौन से करते हैं जिनमें पॉसिबिलिटी हो कि वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर ट्रांसफर करके, लेकिन ट्रांसफर करने के बाद में कंडीशन ऐसी आ जानी चाहिए, या तो वो एम्प्टी फील्ड हो जाना चाहिए, या तो हाफ फील्ड हो जाना चाहिए, या तो कंप्लीट फील्ड हो जाना चाहिए, तो फिर अगर ऐसा हो तो वो अनासिर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जाहिर करता है। उम्मीद है कि आपके ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का एक पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से ही जुड़ा हुआ है, ये आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, कॉपर की है सॉरी क्रोमियम की तो हमने निकाल लिया, आप Cu यानी कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को निकालें और बताएं, ताकि आपका सेम पॉइंट जैसे क्रोमियम में हमने कहा वैसे ही कॉपर में भी अगर पॉसिबिलिटी होती है तो क्या आप फिर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके कॉपर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जाहिर कर सकता है। तो ये आपको एक होमवर्क है, जो पहला होमवर्क मैंने कहा कि आप 8 से 10 अनासिर आपके मुताबिक तय करें उनका एटॉमिक नंबर और उनकी इलेक्ट्रॉन तश्कील ऑफ बॉ प्रिंसिपल के मुताबिक, और कॉपर की ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का पॉइंट है इसके मुताबिक जो हमने बयान किया है। ठीक है, उम्मीद है कि आज का जो पॉइंट हमने पढ़ा है ये आपके समझ में आया होगा। अगले वीडियो में अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।